उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का सख्त निर्देश, किसी गरीब की झोंपड़ी दुकान पर ना चलाए बुलडोजर, अवैध हाउसिंग सोसाइटी मून सिटी पर चला बुलडोजर। शिमला में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार, बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़की। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू, बैंक ग्राहक उठा सकेंगे योजनाओं का लाभ। लाहौल स्पीति में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मेडिकल चेकअप का आयोजन, डोगरा स्काउट और सीएचसी काजा की टीम ने मिलकर लगाया कैंप। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में, मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ माफियों के खिलाफ ही बुलडोजर चलाएं, किसी गरीब की झोंपड़ी और दुकान ना तोड़ी जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी गरीब की झोंपड़ी और दुकान पर बुलडोजर ना चलाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया है कि बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियों की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्यवाही की जाए, किसी को भी बेवजह परेशान न किया जाए। निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृत मानचित्र व साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर विहित न्यायालय के आदेश पर इसे ध्वस्त किया गया। इसी जोन में रहीस अहमद ने मौजा प्यारेपुर में बगैर नक्शा स्वीकृत करवाए अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसमें ग्रुप हाउसिंग निर्माण एवं ड्यूप्लेक्स भवनों पर हाउसिंग का भी निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि आसिफ खान व अन्य ने कासिमपुर पकरी बौद्ध विहार शांति उपवन पार्किंग स्थल के सामने कानपुर रोड पर अवैध रूप से कराए गए निर्माण को तोड़ा गया। जोन 1 के विहित प्राधिकारी अमित राठौर ने बताया कि कई अवैध निर्माण तोड़े गए। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब घटना शिमला में पेश आई। यहां एक एचआरटीसी बस सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से टकराकर वहीं रुक गई। शिमला समर हिल के साथ लगते चैली में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हुई है। बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़की है। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर कंडक्टर समेत 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी बस HP 68 42 11 शिमला के चैली धार कुफर रूट पर जा रही थी। शुक्रवार सुबह समर हिल के साथ लगते चैली के समीप यह हादसा हुआ है। पेड़ से अटकने की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया है, नहीं तो कोई जानी नुकसान हो सकता था। एसपी शिमला मोनिका का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाटा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक की ओर से संचालित विभिन्न ग्राहक मैत्री ऋण योजनाओं के सरलीकरण की बात कही, ताकि अधिक से अधिक ग्राहक बैंक से जुड़कर योजनाओं का लाभ उठा सके। बालनाटा ने कहा कि बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू की गई है, जिससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना में वर्तमान बैंक ग्राहकों के साथ नए ऋणियों को गृह सजा, फर्नीचर व अन्य उपकरण की खरीद के लिए अधिकतम मूल्य 10 लाख तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग मकान का निर्माण करने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण के साथ अपनी जमा पूंजी का पूरा इस्तेमाल कर चुके होते हैं और निर्माण के बाद आवास उपयोग में लाने के लिए उनके पास शेष जमा पूंजी नहीं बच पाती। इस योजना के संचालन से बैंक ऋणियों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी। भावी व्यवसाय विस्तारीकरण व कर्मचारियों की कमी के समाधान के कई अहम फैसले लिए गए। बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाटा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के समस्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा कर्मचारियों का जो विषय था रिवीजन ऑफ पे स्केल, 1/1/16 से हमने सभी कर्मचारियों का पे रिवाइज करने का निर्णय ले लिया है और इसमें लगभग 80 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बैंक पे आएगी। 80 करोड़ रुपया एरियर के रूप में। और दूसरा,
2 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी अकाउंट में इसका बर्डन होगा। इससे प्रत्येक कर्मचारी को 3,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक प्रत्येक कर्मचारी को इसका लाभ होगा। मैं सोचता हूं बैंक के इतिहास में बहुत बड़ा ये कदम है जो कर्मचारियों के हितों में बैंक ने लिया है। जिन एरियाज में फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है, एप्पल है, दूसरे फ्रूट है, वहीं पर कोल्ड स्टोर और वेयर हाउसेस लगने चाहिए ताकि किसान अपनी फसल को उस समय जब मार्केट में ग्लट हो तो उसको पीछे ही रोक करके उसको स्टोर कर सके। उसके लिए बैंक ने निर्णय किया है कि हम कोल्ड स्टोर और वेयर हाउसेस के लिए लोन देंगे और इसमें भी 9% सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है और हिमाचल की सरकार भी दे रही है। इसका लाभ अभी आम जन तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की राशि को भी प्रदेश सरकार की तर्ज पर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की स्वीकृति मिल गई है। बैंक में सहायक प्रबंधन के करीब 59 और अभियंता के 2 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लाहौल स्पीति में काजा उपमंडल के तहत क्योलिंग गांव में वीरवार को एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन डोगरा स्काउट और CHC काजा की टीम ने संयुक्त रूप से किया। कैंप में कुल 65 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। लोगों के ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, शुगर टेस्ट, ECG आदि टेस्ट भी शिविर में किए गए। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों को दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। इस शिविर में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। विशेषज्ञों ने जहां स्थानीय लोगों को TB जैसी विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक किया, वहीं समय समय पर अपना चेकअप नजदीकी अस्पताल में करवाने के बारे में भी अपील की गई। आज यहां पर क्यूलिंग गांव पर डॉक्टर स्कॉट के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य केंद्र काजा के द्वारा यहां पर फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने अपने पूरे परिवार का चेकअप कराया। BMO काजा डॉक्टर तेंजिन नॉर्बू ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर काजा के क्यूलिंग गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में विलेज क्यूलिंग में हमने एक हेल्थ कैंप रखा था, जिसमें हमारी मेडिकल टीम गई थी और ये एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन था इंडियन आर्मी और हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ में था। इस कैंप में हमारे मेडिकल ऑफिसर गए थे जिन्होंने वहाँ पे हेल्थ चेकअप किया, फिर हमारे फार्मासिस्ट गए थे जिन्होंने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर हमारे अपोलो टेलियल सर्विसेज की टीम गई थी जिन्होंने वहाँ पे ब्लड टेस्ट किए, और हमारे हेल्थ एजुकेटर गए थे जिन्होंने वहाँ IEC किया रिगार्डिंग NCD, रिगार्डिंग अनीमिया, रिगार्डिंग वाटर एंड एयर पोल्यूशन डिजीजेज, और साथ में हमारे STS श्री दोरजे वो TB के रिगार्डिंग IC किया और उन्होंने TB का प्लेज भी दिलाया। तो काफ़ी अच्छा कैंप रहा और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी हम इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। पहली बार आर्मी और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ये मेडिकल कैंप लगाया है। कैंप में क्यूलिंग गांव के स्थानीय लोगों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। कई वरिष्ठ लोगों ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप में अपोलो टेलीमेडिसिन की टीम भी विशेष तौर पर मौजूद रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ईमार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ईमार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ईमार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।